ये आज किचन में आया, कावा बना रहा है, कहता मैंने चाय नहीं पीनी है। चल नहीं रहा, इसके कान में भी बहुत दर्द था रात से। बस तो मैं से बोल रही हूँ चाय पी लो, क्योंकि नाश्ता भी तैयार है, बस अब सबका इंतजार कर रहे हैं। कान में भी बहुत दर्द था, स्कूल भी नहीं गया था मैं। यस, नाश्ते से हम लोग फारिग हो गए हैं। अभी मैं साथ ही मैं सालन भी रख रही हूँ, चने बनाने हैं, चने चावल। रियान गया हुआ वैक्सीनेशन के लिए, तो वो भी वीडियो में आपको साथ ही शेयर करूँगी आप सबके साथ। चने मैंने भून लिए, अब इनमें पानी डाल देती हूँ थोड़ा सा शोरबा बनाने के लिए, साथ ही चावल बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। और बच्चों के सर आ गए हैं, बच्चे भी पढ़ने में मसरूफ़ हो गए हैं सर से। तो खाना तैयार हो चुका है और हम लोग खाना खाने लगे हैं। मामा ने बनाए हैं चने चावल। तो अभी हम लोग नाश्ता करें और पापा भी आज घर पे नहीं, इसलिए सिर्फ मैं और मामा नाश्ता करें, क्योंकि पापा चकवाल गए हुए हैं अम्मी अबू के साथ, क्योंकि पापा की फुफ्फू फौत हो गई है, तो उधर गए हुए हैं। आज मैं स्कूल भी नहीं गया और दो दिन तक नहीं जाऊँगा, क्योंकि पापा भी नहीं है घर पे। और आपकी टीचर को बता दिया? तो मौसम देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा हो रहा है। अभी तो थोड़ी देर पहले बारिश भी हो रही थी, लेकिन अब तो नहीं हो रही बारिश बिल्कुल भी। और पापा घर में बहुत अजीब सा लग रहा है, घर बिल्कुल अकेला अकेले से लग रहे हैं हम लोग। पापा लोग पहले अम्मी अबू को चकवाल छोड़ने के लिए गए थे, उसके बाद पापा फैसलाबाद गए हुए, फैसलाबाद रुके हैं, उसके बाद अब यहाँ पे आएंगे, कल आएंगे शायद, कल सुबह सुबह है ना। अभी बोलिए नहीं जाना। तो देखते हैं मम्मा किचन में क्या कर रही हैं। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? चीकू की टांग का दोबारा से मसला बन गया। चीकू। और मम्मी, मैं बेकिंग पाउडर ले गया था, क्योंकि आज मैं खुद केक बनाऊंगा। मम्मा चावल बनाएंगी ना? Yes. मम्मा ने चिकन बॉइल कर दिए रखे हुए ऊपर। नीचे गिरा दिया था, पहिया दिया। अब मैं आगे से हवा नहीं पड़ेगी। और ये है इसके अंदर का चिकू का घर, यहाँ से अंदर जाता है, यहाँ से ऊपर से छंग मारते अंदर जाके बैठ जाता है। ये चिकू एक समझ लें आप लोग, प्राइवेट हाउस उसका है, मिलता ही नहीं है, ढूंढ रहे थे हम, मिलता नहीं है। तो देखते हैं इसका, इसके अंदर होता है, दिखाओ। बारिश हो रही है दोबारा से, ये देखें डॉट हो रही है बारिश, दोबारा से बारिश हो रही है। जाओ चली जाओ बाहर, चीज दिखाता हूँ। ये देखिए चीनू चिकू की आज तबीयत सही नहीं है, मैंने उसको पिंजरे के अंदर लिटाया, तो पिंजरे के अंदर ही लेटा हुआ। मम्मा ये नीचे से नया अजाब लेके आई जा रही है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ये प्लॉट में जाट गया ना, नेवला बिच्छू काट दे। अरे आप ना था बता ना, उसके हाउस के लिए लेके आई है। किसका हाउस? इसका। चिकू बैठते हैं इसके अंदर मो? हाँ बैठ जाएगा, बैठ जाएगा। लाओ उसका टोकरी के अंदर से कपड़ा लेके आओ। चिकू न्यू हूँ। केक बनाया है, चॉकलेट अभी लगाने वाली है। ये चॉकलेट मैंने कर दिया और चॉकलेट ये खाई जा रही है साथ साथ। चॉकलेट आ रही है, चॉकलेट इन्होंने ऐसे ही खा ली है। मैंने बनाया, चलो इसे चॉकलेट मैंने बनाया बराबर करके आओ। मदद मैंने भी की थी बीच में, बहुत अच्छा बनाया आर्यन, वेल डन, बाय बाय जाओ। आर्यन ये चॉकलेट मेल्ट आई मीन लगा रहे हैं। मैं लगाता हूँ, जिसने केक बनाया वही लगाएगा।
इतना ये छुरी तो एक मिनट ये देखिए मेरा केक थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर आर्यन आइसक्रीम भी लगा देना ठीक है आइसक्रीम है अच्छा हो गया देखिए कितना प्यारा बनाया मैंने चॉकलेट केक अब मैं काटती हूँ नहीं आपको किसी ने कोई हक नहीं दिया मेरी बर्थडे मैं काटूंगा मेरा केक देखिए मैंने केक बनाया ये देखे यहाँ पे रख देता हूँ केक को यहाँ पे तो गाइस हम केक काटने लगे थे लेकिन लाइट चली गई है ना अभी अब कैसे काटना है केक ऐसे और ये मम्मा टॉर्च लेके आ गई है चलो काटो ना अभी काटो टॉर्च हैप्पी बर्थडे नमिया ऐसे नहीं होता वो दूसरे केक पे आता है वो कह रही है बर्थडे वाले केक पे होता है इस वाले पे नहीं होता चलो जी चलो रिया ना जो अब आपका केक बना हुआ खा के देखते हैं चलो इसने रेसिपी नोट की है और बस बना लिया हो नम्या नाभी कैसा है मैं सही से नहीं काटा अच्छा मैं सही से नहीं काटा यमी है हाँ ये खाने लगी है केक खाने दियो कैसा है बहुत मजे का मम्मा तुम काटो अरे आना असल में नाराज हो गया है क्योंकि मैंने ना इसे गुस्से में कह दिया था दबा जो हाँ जी क्या बोलूं हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे पोपे हैप्पी बर्थडे कैसा लगा मामा बहुत टेस्टी अरे चलो चले अब हम खाते हैं थोड़ा सा केक हाँ जी आ जाओ काटो आके खा लो काट तो चुकी है बेड़ा गर्क कर चुकी है वो केक का यमी ये हमारा लड्डू सोया हुआ है चीकू इसकी इस साइड पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो रही है देखिए इतना अभी मेडिसिन भी दी है अभी तक फर्क नहीं पड़ा और ये लैला भी आके इसके साथ खुश हो गई और ये दोनों देखे हरियाणा ने कुछ बोला है इसे वो कह रही है मैं मम्मा को शिकायत लगाती हूँ और वो लगाने नहीं दे रहा वो कहती मैं फिर भी बताऊंगी अनामिया क्या किया है भाई ने अनामिया क्या बताना है बताओ मुझे क्या बताना है कि अरियान गिर जाएगी वो खड़ा नहीं फिर भी सर उसका लटक रहा नहीं बताएंगे अनाभी उधर से गिर जाओगी आप तो इसकी टांग का इतना ज्यादा मसला बन गया है ये देखिए यहाँ पे इतनी ज्यादा सूज की है ये वाली जगह इसकी और इतना कमजोर हो गया चीकू क्या हुआ पापा भी नहीं है घर पे पहले तो हमने इसके दर्द का इंजेक्शन लगाया था फिर हम इसको क्लिनिक के पास भी लेके गए थे लेकिन फिर पता नहीं दोबारा इसको होने लग गया उन्होंने कहा था हवा नहीं लगने देनी ये भागा था ना उस वजह से इसको हवा लग गई होगी तब यहाँ से इतना ज़्यादा सूज गया है और ये लंगड़ा के चल रहा है दोबारा से चीकू वो क्या हुआ आपको छोटा सा बच्चा है हमारा छोटे से बच्चों की जैसी है ना चीकू जल्दी तो चाहिए हो जाओ ना फिर खेलो के भी तो चाहिए ना लैलू छात चलो